फवारे से नहाने में कितना मजा आता है सभी को ना। और कभी बागों में रंग बिरंगे फवारे देखते हो या चौराहों पर देखते हो तो उनकी नन्ही नन्ही बूंदें कितना मन को मुग्ध करती है। तुमने कभी सोचा कि इसी तरह से जैसे पिचकारी से होली खेलते हैं और इंजेक्शन से फुहार निकलती है, इस तरह की चीजों से हम कुछ कलाकृतियां भी बना सकते हैं? ये जो हम कर रहे हैं ये उसी के लिए कुछ है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि किस तरह से हम इस नन्ही नन्ही बूंदों को सुंदर आकारों में ढाल सकते हैं। अब देखो जैसे ये आकार हम इसी स्प्रे प्रिंटिंग के लिए काट रहे हैं, ये इसको ऐसे अलग कर लिया। और ये तुम इस तरह भी कर सकते हो कि बाहर का हिस्सा रहने दो, अंदर पर इसमें स्प्रे करो तो उसमें यहाँ पर रंग आएगा। और अगर अंदर चाहते हो कि रंग ना आए बाहर बाहर आए तो इसको इस तरह से कर सकते हो। इसमें खास बात ध्यान देने की है कि कागज थोड़ा मोटा लेना चाहिए जो भी आकार काटना हो, नहीं तो उड़ जाता है, भारी होना चाहिए। अब देखो हम तुम्हें आज दिखाएंगे कि कैसे हम इसमें एक बधाई पत्र बना रहे हैं। ये देखो पहले ऐसे दो तरह के कागज लेकर हमने चिपका लिए। अब इसके ऊपर पहले हम ये देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। इसके गहरे गुलाबी रंग के ऊपर हरा रंग चिपका लिया। अब इस पर हम चाहते हैं कि हिरण के आकार के अंदर आए तो हमने ये वाला चुना। ऐसा करने से हिरण के आकार के अंदर रंग आएगा, बाहर नहीं आएगा। अब देखो ये हिस्सा खुला हुआ है दोनों तरफ तो इसको हमें ढकना है वरना इस पर भी रंग चला जाएगा। तो हमने ऐसे दो कागज की पट्टियां लगा दी इस तरह से ये। और अगर ये नहीं दब रहा है तो हम ऐसे कोई सिक्का या कोई भी भारी चीज यहाँ पर रख देते हैं ताकि उठे नहीं इस तरह से। अब इस तरह का ब्रश जिसे दांत साफ करते हैं, ये वैसे बाजार में इसके लिए और भी ब्रश आते हैं लेकिन शर्त ये है कि बाल इसके कड़े होने चाहिए वरना बूंदें साफ नहीं आएंगी। अब इसके लिए कोई भी गाढ़ा रंग लिया इस तरह से देखो। अब पहले एक सादे कागज के ऊपर चला के देख लेते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बूंदें तो नहीं आ रही। अब जैसे इसमें बड़ी आ रही है तो थोड़ा हमने इसको पोंछ दिया इस तरह से। अभी भी बड़ी आ रही है। अब महीन बूंदे आने लगे, अब हम शुरू कर सकते हैं। और इसके किनारे किनारे पर ही करना चाहिए ताकि रंग हमारा बर्बाद ना हो। जहां जहां कटा हुआ उसके किनारे किनारे ऐसे करते जाएंगे। देखो इसकी पीठ के ऊपर थोड़ा गहरा रंग होता है, गर्दन और पीठ में गहरा रंग होता है इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा करेंगे इसके। और टांगें बिल्कुल हल्के से रंग की होती है इसलिए उसमें हल्का करेंगे। जो महीन कट जहाँ पर होता है वहां और जरा ध्यान से करते हैं नहीं तो उभरेगा नहीं, रंग ही नहीं आएगा वहां पर। अब ये देखो हो गया। अब चूंकि ये बूंदे हैं थोड़ा सूखने में भी समय लगेगा, थोड़ी देर इसको सूखने दो और उसके बाद इसको धीरे से ऐसे निकालो। ये सब चीजें धीरे से हटा लो। ये पट्टियां रखने का ये फायदा हुआ कि कहीं और फालतू रंग नहीं आया। अब इसमें बाहर की रेखाओं को थोड़ा सा और सुंदर बनाना चाहो तो स्केच पेन या कोई भी पतला पेन या ब्रश से भी कर सकते हो। कहीं कहीं पर हल्का सा ऐसे थैंक you।
अब इस तरह से इसकी बाहरी रेखाएं बना दी, यहाँ पर ऐसे आंख बन गई। इसमें देखो नीचे थोड़ा सा दूसरा रंग लगा सकते हैं। इसे और सुंदर बनाना चाहो तो इस तरह का रंग लेकर के चमकीली बिंदियां इसको रख सकते हो। अब ये देखो पूरा ही रंग तैयार हो गया। ये देखो अब इसको बधाई पत्र की तरह से प्रयोग कर सकते हो। अब इसी तरह से दूसरा हम तुम्हें बताते हैं कि जब तुम इस तरह से करते हो कि आकार के अंदर रंग ना आने पाए तब कैसे करना है। ये जो हमने आकार काटा था इसको ऐसे रख लिया, चाहो तो इस तरह से टेढ़ा करके रखो और भी सुंदर लगेगा ऐसे करके। अब फिर उसी तरह से रंग लो, ये जो ब्रश में हमने रंग लिया था बस वही चीज ध्यान रखनी है कि पहले इसको देख लेना है कि बहुत बड़ी बड़ी बूंदें तो नहीं आ रही, ऐसे करके फिर उसी तरह से इसको बराबर से रख के ऐसे स्प्रे करते रहो। बस वही धारी किनारे किनारे जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा करना और दूर दूर हल्का। इसको फिर उसी तरह से थोड़ी देर सूखने दो। फिर इसको धीरे से ऐसे उठाओ। अभी देखो अंदर आकार ऐसा निकला है। इसमें कोई विपरीत रंग ले लो तो ज्यादा सुंदर लगेगा। अब इसको भी उसी तरह से बाहरी रेखाएं बना लो। यहाँ चाहो तो इसी रंग से बनाओ, चाहे तो थोड़ा काला और थोड़ा ये दोनों ही रंग मिला दो। और ये अब इसको भी और सजा सकते हो, चाहो तो ये रंग है ऐसे ऐसे बिंदिया रंग दो या धब्बे से बना दो। Thank you.
के दो नमूने तुम्हारे सामने तैयार हो गए। अच्छा भाई, अभी जो हमने तुम्हें ब्रश के बारे में बताया था, तो ये ध्यान रखना कि ये ब्रश पुराना होना चाहिए, मतलब तुम उसका दोबारा फिर दांत साफ करने के लिए प्रयोग मत करना। और जिस तरह से ब्रश से करते हैं ना, उसी तरह से और भी चीजों को हम पिचकारी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये देखो, इस तरह के किसी में भी पतली नोक वाली जैसे ट्यूब लगी है या ऐसा मुंह है, जैसे इंजेक्शन की सिरिंज होती है या आंखों में दवा डालने वाली प्लास्टिक की या रबर की कोई पिचकारी होती है, इस तरह की चीजों का प्रयोग कर सकते हो। बस लेकिन इतनी इजाजत ले लेना कि वो पुरानी हो और किसी काम की ना हो, उन्हीं का प्रयोग करना। तो अब हम तुम्हें दिखाते हैं और कई सारी चीजें कि कितने तरह के आकार तुम बना सकते हो। कोई भी चीज पहले तुम चित्र बना लो किसी भी चीज का, पेंसिल से या पेन से। बस ये इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी हम बीच में बनाएंगे वो बेकार होगा, क्योंकि वो जब तक काटेंगे नहीं उसका कोई भी रंग वहां पर नहीं आएगा। जैसे ये आकार हमने काटा, इसी तरह से ये, इस तरह से चित्र बना करके ये आकार हमने काट लिया। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी तुम दो बार मोड़ करके काटोगे तो कुछ ना कुछ आकृति निकलेगी, और उसको अपने मनचाहे ढंग से सुंदरता प्रदान कर सकते हो। ये देखो, इस तरह से काट लिया, और इसमें एक की जगह दो तीन रंगों का भी प्रयोग कर सकते हो। और अगर मान लो चित्र ना ही बनाना आता हो तो भी एक बढ़िया तरकीब है। देखो, इस तरह से पुस्तकों में, पुरानी पत्रिकाओं में या अखबारों में ऐसे तुम्हें चित्र मिलते हैं, इनका तुम काट करके प्रयोग कर सकते हो। बस फिर इसमें वही ध्यान देने की बात है कि अगर ये आकार सिर्फ काटोगे तो बहुत मामूली सी बात सामने आएगी। अब जैसे इनका मुंह खुला हुआ जमाई ले रहे हैं, अब इनका तुम्हें अगर यही प्रभाव दिखाना है तो यहाँ पर भी तुम्हें कट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा चाकू से या ब्लेड से काटना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसमें देखो कि अगर तुम सिर्फ ऐसे सामने से किसी का चेहरा लोगे तो उतने ज्यादा गहरे नयन नक्श नहीं दिखाई देंगे या वो आकार नहीं उभरेंगे। इसी जगह अगर तुम ये चित्र लेते हो मान लो, तो इसमें देखो हाथ पांव ऐसे खुले हुए और इधर से चेहरे का भी पूरा रूप तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के आकार लेने में चित्र ज्यादा सुंदर बनते हैं। अब ये देखो, ये दो हिरण इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, इस हिरण का आकार स्पष्ट नहीं है जबकि इस हिरण का आकार अधिक स्पष्ट है। तो इस तरह के आकार की चीज लेनी चाहिए जिसका स्वरूप ज्यादा स्पष्ट हो, यानी उसके हाथ, उसकी टांगे या कान उसके साफ साफ दिखाई देते हो। जैसे हमने देखो इस आकार का प्रयोग किया था, ये देखो तुम, ये आकार, इसमें सींग कान सभी कुछ साफ साफ दिख रहा है। और इस तरह से ये देखो, ये हमने बधाई पत्र बनाया था, ये तुम देख सकते हो। और जैसा हमने बताया था, कई रंगों का प्रयोग करके तुम चित्र बना सकते हो, उससे सुंदरता और बढ़ेगी। और कपड़ों या कागजों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी करने की कोशिश करो,